This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 24 साल से गालियां खा खा कर मैं गाली क्लब बन गया हूं। संसद में हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियां गिनाई थी। विपक्ष मानता है कि गालियां देने का हक उनका ही है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर लगातार दो बार यूपी की मोहनलालगंज सीट से सांसद रह चुके हैं। बीजेपी ने इस बार भी उन पर भरोसा जताया है। उनका मुकाबला गठबंधन की आरके चौधरी से है। इंडियन आर्मी ने अग्निवीर कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट 2024 के नतीजे जारी कर दिए हैं। ये रिजल्ट राजस्थान के विभिन्न आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स के लिए रिलीज किया गया है। दिल्ली में आज सुबह नेहरूजी नगर में दो डीटीसी बसों की टक्कर में एक शख्स घायल हो गया। एक बस दूसरी बस से आगे निकलने की कोशिश कर रही थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट में बम की सूचना मिलने के बाद वाराणसी जाने वाली सुबह 8:30 की फ्लाइट को भी एक घंटा डिले किया गया। टीएमसी प्रमुख ममता बैनर्जी या अभिषेक बैनर्जी 1 जून को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे। इस दौरान टीएमसी का कोई अन्य नेता मौजूद रहेगा। पटना के सुल्तानगंज में लॉ के छात्र हर्ष की हत्या कर दी गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिस तरह से बीए के छात्र हर्ष की परीक्षा केंद्र के बाहर पीट पीट कर हत्या कर दी गई। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के दो गुर्गों को राजपुरा से गिरफ्तार किया गया है। पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरुण शर्मा ने सोमवार को यह जानकारी दी है। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शरद पटनायक ने कहा कि हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, हम सरकार बनाएंगे। बिचड़ी 24 साल यहाँ सरकार में रही पर जनता के लिए क्या किया। राष्ट्रीय जांच एनआईए ने सोमवार को कई राज्यों में छापेमारी की और कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी गिरोह में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया। केरल में पुलिस और गैंगस्टर के बीच कथित सांठगांठ का भंडाफोड़ होने के बाद सोमवार को विभागीय कार्रवाई के तहत एक वरिष्ठ अधिकारी सहित कुछ पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में पोर्शे कार दुर्घटना में शामिल किशोर चालक के ब्लड के नमूने में कथित हेरफेर के मामले की जाँच के लिए 3 सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया है। राजकोट के टीआरपी गेम जोन में आग लगने के मामले में बनासकांठा स्थानीय अपराध शाखा पुलिस और राजकोट पुलिस ने मुख्य आरोपी धवल ठक्कर को राजस्थान के आपू रोड से पकड़ा। वाराणसी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सपा के मुखिया अखिलेश यादव संयुक्त रैली करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ओडिशा दौरे पर रहेंगे। शाह भद्रक, जाजपुर और जगत सिंहपुर में 3 रैलियां करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार के पटना में रविशंकर प्रसाद और आरा में आरके सिंह के लिए जनसभा करेंगे। एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी मिर्जापुर में पल्लवी पटेल की पार्टी के लिए जनसभा करेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई होगी। अनंत अंबानी का दूसरा प्री वेडिंग फंक्शन 7000 करोड़ की लग्जरी क्रूज शिप पर होने वाला है। इसके अलावा फंक्शन में 800 वीवीआईपी गेट्स के शामिल होने की संभावना है। ग्रैंड प्री वेडिंग बैच में नेशनल इंटरनेशनल कई हस्तियां शामिल होंगी। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत आज मजबूती के साथ हुई है और सेंसेक्स निफ्टी बढ़त पर खुले हैं। निफ्टी फिर से 23,000 का लेवल छूने की कोशिश करता दिख रहा है। बीएसई का मार्केट कैप 420.23 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। आज की टॉप 20 खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।